जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। इस वीडियो में दोस्तों जो क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2023, ठीक है। 14 जुलाई 2023 के लिए जो है वो चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, ठीक है। 14 जुलाई 2023 के लिए इसको क्या है, लॉन्च किया गया था, और इसने चंद्रमा की सतह पर लैंड कब किया। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे आप डबल स्टार मार्क कर लेना। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर जो लैंड किया था दोस्तों, वो किया था 23 अगस्त 2023, यानी कि 23 अगस्त 2023 के लिए चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 ने जो है वो लैंड किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रयान 3 के लिए कहां से लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इस चंद्रयान 3 के लिए जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्री हरिकोटा में है, और श्री हरिकोटा कहां पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, भारत से पहले जो 3 देश गए हैं, रूस, अमेरिका और चीन, वो उनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हो, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसको आप बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं उनके लिए तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उसका नाम है दोस्तों LVM3-M4, ठीक है। ये जो रॉकेट है इससे चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो इसरो के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ऐसे आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किसके, मतलब जो उस समय जो इसरो का अध्यक्ष था वो कौन था, यानी कि जो इसरो के चेयरमैन थे कौन थे जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इसरो, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, याद कर लेना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो है आपका एस सोमनाथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में लगभग 615 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चंद्रयान 3
मिशन की थीम क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थीम से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 जो मिशन था उसकी थीम क्या थी, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइंस ऑफ द मून, ठीक है। चंद्रयान 3 की थीम क्या थी, साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, चंद्रयान 3 में जो लैंडर लगा हुआ है उसका नाम क्या है, चंद्रयान 3 लैंडर का क्या नाम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, विक्रम। चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम भी विक्रम था, और चंद्रयान 3 में जो नाम हो उसका नाम भी विक्रम ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, चंद्रयान 3 के जो रोवर है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है। चंद्रयान 2 में भी रोवर का नाम प्रज्ञान ही था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे चंद्रयान 2 का पूछें चाहे चंद्रयान 3 का पूछें, आंसर आपका एक ही होगा, ठीक। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर एंड ए और बी दोनों, यानी कि लैंडर और रोवर दोनों ही नहीं है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया, चंद्रयान 3 में लैंडर भी है, चंद्रयान 3 में रोवर भी है, लेकिन चंद्रयान 3 में जो है वो ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है। अब ऑर्बिटर क्यों नहीं है दोस्तों, उसका कारण यह है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है चंद्रमा की कक्षा में, ठीक है। तो इसलिए इस बार इसरो ने क्या किया कि लैंडर और रोवर तो दिए, ऑर्बिटर को उसमें से निकाल दिया, क्योंकि जरूरत पड़ने पर जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वही काम में लिया जा सकता है, ऐसा कहना है हमारे देश के वैज्ञानिकों का, ठीक है। तो चलिए चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है, चंद्रयान 3 में इनमें से ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, और आज की वीडियो का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LBM-3-M4 का कुल वजन कितना है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों रॉकेट है इसका कुल वजन है दोस्तों करीब 3900 kg लगभग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके 3900 kg। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो की PDF फाइल को जरूर डाउनलोड कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को प्लस PDF फाइल को शेयर जरूर करना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।